नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय एकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट सोम स्टरलिस्ट लिमिटेड, बिकॉज यहाँ पर बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट है स्टॉक स्प्लिट। जी, स्टॉक स्प्लिट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक स्प्लिट है। तो चेक करेंगे क्या शेयर्स मिलेंगे, कितने शेयर्स मिलेंगे स्प्लिट होने के बाद, रिकॉर्ड डेट क्या है, इन सभी चीजों का चेक करेंगे। फ्रैक्शनल शेयर जो रहता है कितना आपको डिसबर्स होगा अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं रहेगा तब, प्लस कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का रिजल्ट, कंपनी का टेक्निकल एंड प्लस व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट होता है क्या है, न्यू कंपनी लाती है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड चलिए स्टार्ट किया जाए अबाउट सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, जहां पर अगर कंपनी का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को चेक करेंगे तो 306 का प्राइस में ट्रेड कर रही है। एंड अभी कंपनी का अगर हम लोग ट्रेंड रिटर्न को चेक करेंगे कि कितना रिटर्न कंपनी ने 5 ईयर्स में दिया है, तो देख सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने दिया है, 360% का, 360% का दौड़ एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। एंड प्लस अच्छा करेक्शन भी आ चुका है हाई से। अब है कंपनी का अगर हम लोग चेक करेंगे 1 साल में कितना है, तो 1 साल में देख सकते हैं लगभग 67% का, 67% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड अब थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल जान लेते हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है, 2381 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आप स्टॉक का पीवी 27.5 है, इंडस्ट्री का 33.6, यानी अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूशन में ये अवेलेबल है। प्योर स्कोर 7 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो ओके के सॉर्ट ऑफ है, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट कंपनी का 166 करोड़ का है, प्रमोटर का 635.3% है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, फेस वैल्यू कंपनी का 5 है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज स्प्लिट होता है तो ये जो 5 जो फेस वैल्यू है ना वही चेंज करता है, कंपनी उसी के बारे में अपडेट दी है। एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये नहीं जानिएगा तो फिर अच्छा नुकसान भी हो सकता है। कंपनी का सेल को चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में कंपेयर करेंगे, देख सकते हैं 253 से सेल्स बढ़कर के हो गया 382, क्वार्टरली बेसिस में 266 से बढ़कर के 382, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का सेल्स में जंप है। नेट प्रॉफिट 16 से बढ़कर के देखिए 20 हो गया, यहाँ भी जंप है, एंड नेट प्रॉफिट में 18 से बढ़कर के 20 हो गया, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का रिजल्ट शानदार है, बेहतरीन है, तो रिजल्ट हो गया शानदार। अब ट्रेंड मूव कर दे टुवर्ड्स कंपनी का शेयर हिस्ट्री को, तो यहाँ देखिएगा तो प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है, 34.73 से बढ़कर के 35.26 हुआ, पॉजिटिव है। एफआई का स्टेक बढ़ा है, 0.58 से 0.77 हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव है। डीआई का स्टेक थोड़ा सा गिरा है, 0.45 से 0.49 हुआ है। एंड पब्लिक का स्टेक ज्यादा गिरा, 64.20 से 63.51 हुआ है, यानी फ्रेंड जो भी बिकवाली हुई है प्रमोटर एंड आपका एफआई ने खरीदारी की है, तो फ्रेंड ये अच्छी चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी की तरफ से स्टॉक स्प्लिट को लेकर अपडेट है, यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि जो अभी कंपनी का शेयर बल मैंने आपको दिखाया कि फेस वैल्यू 5 ईच सब डिवाइडेड, यानी स्प्लिट में होता क्या फ्रेंड कि जो शेयर का जो शेयर जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, सब डिवाइड किया जाता है, सब डिवाइडेड इंटू फेस वैल्यू ऑफ ₹2, यानी कि पहले जो 5 का फेस वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा। और कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट देखिए फिक्स किया है 24 मई 2024 का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है, ध्यान दीजिएगा फेस वैल्यू 5 से हो जाएगा 2, एंड रिकॉर्ड डेट है 24 मई 2024, जो कि फ्राइडे का दिन है। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ बताया गया है कि अपॉन सब डिविजन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर फ्रॉम 5 टू 2, 5 से जब 2 होगा इसका फेस वैल्यू, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड ये है, ऑल फ्रैक्शनल इक्विटी शेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम सच सब डिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एट मार्केट प्राइस। तो जो भी मार्केट प्राइस में रहेगा अगर आपका फ्रैक्शनल शेयर्स रहेगा वो मार्केट के प्राइस में आपको डिस्पोज कर दिया जाएगा, एंड द नेट प्रोसीड्स लेस एक्सपेंस इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनली आपको एज फार एज प्रैक्टिकेबल, तो ये फ्रैक्शनल शेयर्स का जो रहेगा वो डिस्पोज कर दिया जाएगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, मार्केट प्राइस में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो फ्रैक्शनल शेयर्स अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्रैक्शनल शेयर्स का आप झंझट में नहीं रहिएगा, मेरा वही रिक्वेस्ट है। तो कैसे हम लोग बच सकते हैं उसको जरा चेक करेंगे। तो फ्रेंड फेस वैल्यू कंपनी का है 5, आपके पास कितना शेयर्स है, इस फेस वैल्यू में 1 शेयर्स है, एक शेयर का भी फेस वैल्यू है 5, 2.5 अगर इसका फेस वैल्यू होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स 2 हो गया, 2 फेस अगर कंपनी अभी क्या है 5 से कंपनी चेंज करे फेस वैल्यू इसका 2 में हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएंगे 2.5 का, 2.5 शेयर्स हो जाएंगे। फिर से रिपीट करूंगा, अगर अभी 5 फेस वैल्यू है तो आपके पास शेयर है 1, 2 रहेगा फेस वैल्यू तो हो जाएगा 2.5, ध्यान दीजिएगा 2 से 2.5 में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो शेयर जो आपको मिलेगा फेस वैल्यू जब इसका चेंज होगा तो 2.5 के मल्टीपल में होगा, 2.5 के मल्टीपल में शेयर्स होंगे यहाँ पर, 2.5 का मल्टीपल में। और द चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, चार्ट में बिल्कुल अभी आवर्ली चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं है,
एक कंसोलिडेशन फेस में है, रेसिस्टेंस 312 315 के रेंज में है, 312 से 315 के रेंज में, उसके ऊपर जाएगा तो 325 प्लस तक का टारगेट निकल कर आएगा। एंड अभी जो रहता है बहुत ज्यादा बुलिश चार्ट नहीं है अभी करंट फेस में। ओके अभी आगे बढ़ते हैं, जहां पर देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट को। सबसे पहले चीज स्टॉक स्प्लिट होता क्या उसको जान लेते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाई डिवाइडिंग ई शेयर इंटू मल्टीपल से। तो जो शेयर आपके पास है उसी को डिवाइड करके ज्यादा शेयर्स बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स। दिस रिड्यूसेस द प्राइस। तो जो प्राइस पहले था वो प्राइस आपको नहीं दिखेगा, उससे कम प्राइस दिखेगा। आया था उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि स्प्लिट या कंपनी रिजॉर्ट टू स्टॉक स्प्लिट व्हेन दे रियलाइज दैट द प्राइस ऑफ द शेयर आर आइदर टू स्टीप और आर बियॉन्ड प्राइस लेवल। जब कंपनी को लगने लगता है कि उनका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है, लोग अब कम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस केस में किया जाता है कि स्टॉक स्प्लिट करके जो छोटे निवेशक है उनको बोला जाता है कि आप भी एंट्री करो, उनको एल्यूरिंग प्राइस एक एक्साइटिंग प्राइस रहता है कि नहीं अब ठीक ठाक प्राइस है मैं इसमें एंट्री कर सकता हूँ, और इंक्रीजेस लिक्विडिटी। तो स्टॉक शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ज्यादा क्वांटिटी शेयर बढ़ जाता है तो ट्रेडिंग वैल्यू वॉल्यूम वगैरह सब बढ़ने लगता है, इसलिए लाया जाता है स्टॉक स्प्लिट। अब है स्टॉक स्प्लिट जब होगा तो कब कितने दिनों में शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो विद इन 2 से 5 डेज में क्रेडिट हो जाता है, विद इन 2 to 5 डेज ऑफ द रिकॉर्ड डेट में हो जाता है क्रेडिट। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक वो क्रेडिट नहीं होगा तब तक आर्टिफिशियल ड्रॉप इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन लॉस, आपको एक डीमैट अकाउंट में अच्छा खासा लॉस या अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो उसको देख करके आप ये खुश मत होइएगा या फिर दुखी मत होइएगा कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब स्प्लिट शेयर आएंगे क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, करेक्ट वैल्यू दिखने लगेगा। करेक्ट वैल्यू नहीं दिखेगा इसका मतलब है आपने फ्रैक्शनल शेयर्स रखा था, तो जो रिमेनिंग पैसा है आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। सो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट सोम डिस्प्लेज स्टॉक स्प्लिट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।